अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और अगर आप वीकली मेंबरशिप जीतना चाहते हैं तो इस वीडियो का लाइक लाइक्स टारगेट रखता हूं मैं 1000, और वीडियो के नीचे कमेंट कर दें। अगर इस वीडियो में अगर 1000 लाइक्स और कमेंट आ गए तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको एक आप में से किसी बंदे को मैं वीकली मेंबरशिप दूंगा। वीकली मेंबरशिप जीतने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो के नीचे कमेंट करना है, और वीडियो को लाइक शेयर करना है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको नेक्स्ट अपडेट्स बताते हैं कुछ। जैसा कि ये जो लकी शॉप है, तो ये पिछले महीने भी हमारे सर्वर में आई थी, तो ये अभी फिर कुछ सर्वर में अभी ये इवेंट चल रहा है। ये वाला इवेंट जब पिछले महीने आया था, तो इसमें मुझे मेरे पास अभी तकरीबन तीन तीन डायमंड पड़े हुए थे। तो मैंने वैसे ही सुबह उठ के देखा था, तो मैंने स्पिन मारा, तो मुझे इसमें एक डायमंड से मुझे एलाइट पास मिल गया था। तो अगर आपका भी लक हुआ तो आपको भी इसमें एक डायमंड से आपको एलाइट पास मिल सकता है, और इसमें बहुत सारी आइटम होती हैं, तो ये इसका स्पिन करना पड़ता है, तो जितना परसेंट होता है तो उस हिसाब से आपको डायमंड खर्च करने पड़ते हैं, तो चीज़ें मिलती हैं आपको। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको नेक्स्ट कुछ इवेंट्स के बारे में बताते हैं। तो ये वाला जो आप ये स्कर्फ देख रहे हैं ना, तो ये आपको अभी ये स्टोर में अवेलेबल होने वाला है ये कुछ दिनों बाद। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मिलेगा कैसे। तो ये अभी अवेलेबल होगा स्टोर में, ये 1 मिनट, ये देखें, ये बॉक्स है, 25 डायमंड का बॉक्स है। तो इसमें ये आप देख सकते हैं नीचे सारे लेजेंडरी इसमें स्कर्फ मौजूद हैं। तो इसमें से आपको जो भी चाहिए होता है, तो इसके लिए आपको डायमंड खर्च करने पड़ेंगे। 25 डायमंड का एक आपको बॉक्स लेना पड़ेगा, और आपका अगर लक हुआ तो ये पहले निकल आएगा, नहीं तो इसके लिए आपको ये 16 ये वाउचर पता नहीं क्या चीज़ है, ये आपको जमा करने पड़ेंगे। तो एक डब्बे से एक स्पिन, उसे डब्बे से आपके एक निकलेगा, या फिर दो, या फिर तीन, या फिर पाँच निकल सकते हैं आपके। तो ये आपने 16 जमा करने हैं, तो फिर आप इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, फिर आपको जो चाहिए होगा तो आप वो ले सकते हैं। फ्री फायर ने अभी एक वीडियो एक रिलीज़ किया, तो वो वीडियो मेरे पास पूरी तो नहीं है, लेकिन ये मेरे पास तस्वीर है एक, ये मुझे पता लगा कि ये न्यू करेक्टर होने वाला आने वाला, तो ये बहुत बूढ़ा बूढ़ा आदमी है ये कोई, ये मुझे लग रहा है कि ये जो एडम बाबा ना, एडम उसका मुझे अब्बा लग रहा है, ये उसका अबा या फिर उसका चाचा है ये। ये जो आप अभी तस्वीर में ये M887 की ये स्क्रीन देख रहे हैं, ये वाली जो है ना, ये अभी जो SKS चल रही है, और इसके पीछे जो M8 नहीं, वो A94 थी, ये उसी की तरह की है। तो ये अभी हमारा नेक्स्ट वेपन रॉयल भी हो सकता है, वेपन रॉयल की चांसेस है। तो ये अभी इसका ये चाइनीज़ वन में कुछ लिखा हुआ है, मेरे अंदाजे से ये डबल रेट ऑफ फायर है, और इसका रीलोड स्पीड है, और बाकी कुछ नहीं पता समझ आ रही। तो आज ही मैजिक क्विक स्टोर में अपडेट्स आई है, जो पता नहीं कौन सा कमांडर, पता नहीं, ये जो दो दो एक लड़का और एक लड़की के बंडल अवेलेबल हुए हैं। ये अभी जो पिछले कुछ दिनों में ये जो डायमंड रॉयल चल रहा था, ये वो वाले दो बंडल अभी मैजिक क्विक स्टोर में अवेलेबल हो चुके हैं। तो मेरे पास अभी दो मैजिक क्यूब पड़े हैं, लेकिन मुझे ये बंडल अच्छा नहीं लग रहा, मैं किसी और का वेट कर रहा हूँ। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दो, और चलो जी, ओके, बाय बाय। ये आप गेम प्ले अभी देख सकते हैं, ये मैं नहीं खेल रहा, ये मेरा छोटा भाई है टीटी, उसका हम बोलते हैं टीटी, ये वो खेल रहा है। और तेरी है रे बम मारे ऐसा बम। ये देखें, ये मेरे जितने भी वीडियो है ना, तो ये सारा जो खेलता है ना, मेरा छोटा भाई खेलता है, ये उसको बोलता हूँ कि तुम खेलो तो वो खुश हो जाता है। अभी ये वही खेल रहा है, ये भी काफ़ी अच्छा खेल लेता है। बात ये है, हालांकि इसके पास फ़ोन नहीं है ना, तो ये ओ लगा ग्लू वाला है। नेट नहीं सही चला ना, पिंग 250 आ रही है, तो इस वजह से ये डाउन हो गया है। तो ये तो मोर दिखा रहा है, अभी मैं छत पे हूँ, तो चलो कि बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टाटा शाह।